हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हिडन क्यूब के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन हिडन क्यूब का, तो इसमें कितना हिडन है? तो ये इसमें कितना दिख रहा है देख लीजिए। पहले तीन इधर दिख रहा है, दो इधर दिख रहा है, मतलब पांच, और यहाँ पे देखिए तीन हमको दिख रहा है, ये भी एक हिडन क्यूब दिख रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया? तीन दो पाँच और यहाँ पे तीन आठ, तो आठ दिख रहा है, मतलब नौ में से आठ दिख रहा है, तो एक हिडन है। तो इसका आंसर क्या होगा? वन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए कितना हिडन होगा। इसमें देखिए फिर से तीन इधर हो गया, दो इधर हो गया, पांच और इधर हो गया दो, तो सात। सात मतलब दो हिडन है, क्योंकि नौ में से सात दिख रहा है तो दो हिडन है। और यहाँ पे देखिए तीन तीन ब्लॉक है, तीन ब्रिक है एक्चुअली, तो यहाँ पे तीन में से हमको दो दिख रहा है यहाँ पे, तो एक हिडन होगा यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा? तीन। तो इसका आंसर क्या है? तीन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए कितना हिडन होगा। इसमें देखिए इसमें हो गया तीन इधर दिख रहा है, दो इधर दिख रहा है, तो पांच हो गया, और यहाँ पे देखिए फिर से तीन दिख रहा है। ये सादा जो है यहाँ पे भी व्हाइट कलर का जो है ना, यहाँ पर भी एक दिख रहा है, तो यहाँ पे तीन दिख रहा है, तो तीन मतलब इधर पांच और इधर तीन मतलब आठ, तो नौ में से अगर आठ दिख रहा है तो एक हिडन है, और यहाँ पे कोई हिडन नहीं है, बाकी सब कुछ दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? वन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए कितना हिडन होगा। तीन तीन छ और दो आठ, आठ में से तीन इधर दिख रहा है, दो इधर दिख रहा है, पांच और इधर में एक दिख रहा है छ, तो आठ में से छ जब दिख रहा है तो दो हिडन है। ठीक है, और ऊपर में देखें तीन में से हमको दो दिख रहे हैं तो एक हिडन है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तीन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें देखिए कितना हिडन होगा। इसमें फिर से यहाँ पे तीन हो गया और इधर दो, तो पांच मतलब चार हिडन है, और यहाँ पे है देखिए यहाँ पे तीन तो पांच एक छ, छ में से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, पाँच में से चार दिख रहा है, मतलब यहाँ पर भी एक हिडन है, तो टोटल कितना हो जाएगा? फाइव। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि इसका नीचे जो है ब्लॉक वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा? एक, तो टोटल कितना हो जाएगा? फाइव। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए इसमें कितना हिडन होगा। तीन इधर दिख रहा है और दो इधर, मतलब चार हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार, और तो कुछ नहीं दिख रहा है हिडन ना, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में क्या है नहीं है वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे हमको दिया गया है उससे का हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है, तो पांच दिख रहा है मतलब चार हिडन है, बाकी तो हमको सब कुछ दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा? चार। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए इसमें कितना होगा। तीन इधर हो गया और दो इधर, तो कितना हो गया? पांच। पांच मतलब यहाँ पे चार हिडन है, और ऊपर में देखिए ऊपर में यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, तीन तीन छः, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ होता तो हमको थोड़ा बहुत देखना देख पाता, हम लोग कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कितना होगा? तीन तीन छः और एक सात, सात में से हमको कितना दिख रहा है? तीन और दो पाँच, तो सात में से पाँच दिख रहा है, मतलब दो हिडन है, दो हिडन मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें देखिए कितना हिडन होगा। इसमें नीचे फिर से आपको हो जाएगा कितना? तीन और दो पाँच, मतलब चार हिडन है, और ऊपर में बाकी शब्द हमको दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर, क्योंकि इस साइड में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर होता तो कुछ दिखाई देता, कुछ नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें देखिए इसमें सेम एक ही जैसा है, तीन और इधर दो पाँच, मतलब यहाँ पे चार है हिडन, तो इसका आंसर भी फोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे कितना है, तीन दो पाँच, मतलब चार हिडन है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे तीन तीन छः और एक सात, सात में से तीन दो पाँच एक छः दिख रहा है, मतलब एक हिडन है, और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इसका नीचे जो है वो हिडन है, तो कितना हो जाएगा? फाइव। तो इसका आंसर क्या है? फाइव। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए इसमें तीन दो पाँच और यहाँ पे एक, ठीक है, तो छ हो गया, मतलब तीन हिडन है,
और उसका ऊपर में देखिए इसका जो नीचे है वो हिडन है, तो कितना होगा यहाँ पे एक, तो टोटल कितना हो जाएगा फोर। इसका आंसर क्या है फोर। नेक्स्ट देखिए इसको, देखिए इसमें कितना हिडन होगा, तो इधर तीन और दो पाँच, मतलब चार हो गया इधर, और कोई हिडन है, और तो कुछ हिडन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर। नेक्स्ट देखिए इसमें कितना होगा, तीन इधर दिख रहा है, दो इधर दिख रहा है, पाँच और यहाँ पे एक दिख रहा है, तो छः हो गया। छः हो गया मतलब तीन हिडन है, और कोई हिडन है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीन। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें फिर से इधर तीन दो पाँच और दो सात, सात मतलब दो हिडन है, बाकी बाकी तो और कुछ नहीं है, बाकी तो सब दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें इधर तीन इधर दो मतलब फाइव, मतलब चार हिडन है, ठीक है, और बाकी तो सब दिख रहा है, इधर भी तीन दिख रहा है, यहाँ पर भी तीन दिख रहा है, यहाँ तो ये दिख ही रहा है, और यहाँ पर ये भी तीन दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए, इधर हो गया तीन और इधर दो पाँच, मतलब चार हिडन है, और इसका जो इधर है जो वाला ब्लॉक वो हिडन है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, दो इधर दो चार और एक पाँच, पाँच में से चार दिख रहा है, मतलब एक हिडन है, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा फाइव। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें तीन दो पाँच मतलब यहाँ पे चार हिडन है, और इसका नीचे जो है तो यहाँ पे एक हिडन है, तो कितना हो जाएगा फाइव। नेक्स्ट इसमें देखिए कितना हिडन है तो यहाँ पे कितना है, चार तीन सात और एक आठ, आठ में से एक दो तीन चार, चार दिख रहा है, मतलब चार हिडन है, और ऊपर में इसका नीचे जो है वो हिडन है, तो इस तरह जो ब्रिक है यहाँ पे वो सबसे एक हिडन है, तो कितना हो जाएगा टोटल फाइव। नेक्स्ट देखते हैं इसमें देखिए कितना हिडन होगा, इसमें कितना है देखिए, पहले एक दो तीन चार पाँच, पाँच और इधर चार, नौ दस ग्यारह बारह, टोटल बारह है, बारह में से कितना दिख रहा है पहले देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ में बारह में से आठ दिख रहा है मेरे को, तो कितना नहीं दिख रहा है चार, तो नीचे वाला जो है उसमें से चार हिडन है, और ऊपर में देखिए इसका नीचे जो है वो हिडन है, बाकी तो सब दिख रहा है ऐसे ही, तो यहाँ पे कितना हिडन है वन, तो टोटल कितना हो जाएगा फाइव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में देखिए कितना हिडन है, इसमें क्या है, इधर तीन है उसका बार यहाँ पे चार है, तो चार तीन सात और एक आठ, तो टोटल आठ है, आठ में से एक दो तीन चार पाँच और छ, तो आठ में से हमको छ दिख रहा है, तो कितना हिडन है दो, और यहाँ पे इसका नीचे जो है वो हिडन है ऐसे ही दिख रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा तीन, नीचे वाला जो है उसमें दो और ऊपर में यहाँ पे एक हिडन है, तो टोटल कितना होगा तीन, ऐसे आप देख लीजिए तीन चार सात और एक आठ, आठ में से छ दिख रहा है, मतलब दो हिडन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें देखिए, इसमें पे क्या होगा, तीन और दो पाँच और यहाँ पे दो, तो सात हमको दिख रहा है, तो दो हिडन है, और तो कुछ हिडन नहीं है, बाकी सब दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें देखिए, इसमें तीन और इधर तीन, तो छः है टोटल, तो छः में से तीन और एक चार दिख रहा है, मतलब दो हिडन है, और तो कुछ हिडन नहीं है, बाकी तो इधर भी सब कुछ दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा टू। छ में से चार दिख रहा है, तो दो हिडन है नीचे एकदम जो ब्रिक है, यहाँ पे तीन बाय तीन नहीं है, यहाँ पे तीन और तीन सिर्फ छ ब्रिक है नीचे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें देखिए इसमें यहाँ पे तीन दो पाँच मतलब चार हिडन है, और तो कुछ हिडन नहीं है इसमें, इसका आंसर क्या होगा फोर। नेक्स्ट इसमें देखिए तीन दो पाँच और यहाँ पे दो, तो सात हो गया, सात दिख रहा है, मतलब दो हिडन है, बाकी दो कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू। नेक्स्ट इसमें देखिए तीन इधर दिख रहा है, दो इधर दिख रहा है, पाँच हो गया और यहाँ पे दो दिख रहा है, तो सात, तो नौ में से अगर सात दिख रहा है तो दो हिडन है, बाकी दो सब कुछ दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू। नेक्स्ट देखो इसमें देखिए
तीन इधर, दो इधर, तो पांच, तो मतलब चार, और इधर तो दिख ही रहा है साफ साफ कि का दोनों का नीचे जो है वो हिडन है, तो इस बार ब्लॉक में कितना हिडन होगा, दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, छ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें तीन और दो पाँच हो गया, तो इधर चार हिडन है और तो कोई हिडन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर। नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट देखिए, इसमें तीन इधर दिख रहा है, दो इधर दिख रहा है, मतलब पांच, मतलब चार हिडन है और तो हिडन नहीं है कुछ, तो इसमें कितना हो जाएगा, फोर। नेक्स्ट इसमें देखिए, यहाँ पे चार है और यहाँ पे तीन, सात और एक आठ, आठ में से एक दो तीन चार दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कितना हिडन होगा, फोर। आठ में से अगर चार दिख रहा है तो चार हिडन है, और ऊपर में देखिए इसका नीचे जो है वो हिडन है, तो इसमें कितना होगा, वो वन, तो टोटल कितना हो जाएगा, फाइव। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना ब्रिक है, इधर तीन है, इधर दो दो करके, टोटल कितना है, सात, सात में से एक दो और इधर तीन, पांच दिख रहा है, पांच दिख रहा है मतलब दो हिडन है, सात में से पांच दिख रहा है तो दो हिडन हो गया, और यहाँ पे तो बाकी सब दिख रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा हिडन, टू। नेक्स्ट इसमें कितना होगा, तीन दो पाँच, मतलब चार हो गया, और तो कुछ हिडन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, चार। नेक्स्ट देखिए, इसमें कितना हिडन होगा, तो नीचे फिर से तीन हो गया, इधर दो एक, मतलब नीचे चार, पाँच दिख रहा है तो चार हिडन है, और यहाँ पे तीन दो पाँच, एक छः में से एक दो तीन चार पाँच, छः में से पाँच दिख रहा है, तो यहाँ पे एक हिडन है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा टोटल, फाइव। नेक्स्ट देखो, इस पे देखिए, तीन दो पाँच इधर हो गया, तो मतलब चार हिडन है, और इसका ऊपर में सिर्फ ए वाला ब्रिक का नीचे जो है वो हिडन है, यहाँ पे कितना होगा, वन, तो टोटल कितना हो जाएगा, फाइव। ऐसे आप देख सकते हैं, तीन दो पाँच एक छः, छः में से एक दो तीन चार पाँच दिख रहा है, तो एक हिडन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, फाइव। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, इधर तीन दिख रहा है, इधर दो, तीन दो पाँच और यहाँ पे दो सात, सात मतलब यहाँ पे कितना हिडन हो गया, टू, और बाकी तो सब कुछ दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, टू। तो ये था कुछ क्वेश्चन, 35 शायद टोटल क्वेश्चन है हिडन क्यूब का, आप लोग के साथ डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।